भारत गौरव अलहाज असद बाबा की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कई नामी हस्तियां शामिल हुई और अलहाज असद बाबा के योगदान को याद किया। अलहाज असद बाबा न सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर थे बल्कि सोशल रिफॉर्मर और मसीहा ऑफ पीस के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने समाज के विकास और एकता के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध उद्योगिक गणपत कोठारे, लीला गजरा, डॉक्टर संजय बोर्डे, डॉक्टर निहार मेहता, एक्टर राहुल वोरा, मोना ईरानी, संजय मोने, महाराष्ट्र सरकार से सिद्धार्थ खरात, सतीश जौंदले, मोहम्मद अजीज़, हाजी जतकर, डॉक्टर सादिक पटेल, अरशद सिद्दीकी, निज़ामुद्दीन रायन, समय बुबेरे सहित कई बड़ी हस्तियां यहां पर उपस्थित हुई और अपनी अद्वितीय श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह कार्यक्रम अलहाज असद बाबा के सुपुत्र डॉक्टर अमजद खान पठान और बाबा के चाहने वालों ने आयोजित किया था। इस मौके पर सर्वधर्मीय प्रार्थना आयोजित की गई जिसमें जैन गुरुजी, स्वामी देवेंद्र भाई जी, मुस्लिम औलमा इकराम, बौद्ध भंते, सिख ईसाई धर्म के प्रमुख उपस्थित रहकर बाबा की याद में प्रार्थना की। यह कार्यक्रम असद बाबा के जीवन और कार्य को समर्पित करने का एक महत्वपूर्ण मौका था। इस मौके पर मुंबई के आला लोगों ने बाबा को सलामी दी और डॉक्टर अमजद के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं बाबा के द्वारा किए गए शांति, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता के उत्कृष्ट योगदान को भी याद किया। शुरू करता हूं इसमें रब से जिसकी शान वाला है, बड़ा ही मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। यकीनन प्यार की शमा सभी के दिल में रोशन है कि जिसके दम से आलम में उजाला ही हुआ है। द मदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड असद बाबा is also born at that land. So Babaji has given his entire service for humanity. He's devoted his entire life for the society. Allahumma salli ala Sayyidina Marana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afilatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi daiman abada. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, दिले मारा तुम स्तकीम बहते या कनाबतो या कनस्ताइन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अबिसनी वंदुतनी फी कदाई हाजती या कादी अल हाजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अड़ो रिहंताड़म, अड़ो सिद्धाड़म, अडमो आयरियाडम, अडमो अच्छायाडम, अडमो लोये सबशाहुडम, मंगलम। वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहपं गुर प्रसाद, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहपं गुरु प्रसाद, हे निमाणियों के मान गुरु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। In the name of Creator God, the Provider, the Sustainer, and the Redeemer, we come before your throne of grace, thanking you for the beautiful soul, our
respected. मुझे बेपनाह खुशी है कि इस तरह के सामाजिक संत महाराष्ट्र की धरती में है, जो बहुत ही पवित्र धरती है, जहाँ बड़े बड़े संत मुनि इस राज्य में पैदा हुए. और मैं ये समझता हूँ कि असद जी का काम बहुत ही बड़े पैमाने पर न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि देश के बाहर भी था. और मेरी उनके साथ बहुत सारी व्यक्तिगत मुलाकातें रही हैं. वो जब भी मुंबई आए हैं उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके संपर्क में था, उनसे बातें करता था, उनके काम को जानता हूँ. और उनके साहबजादे जो उनके बेटे हैं डॉक्टर अमजद, वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं और बरसों से हम उनके साथ जुड़े हैं. और हम चाहते हैं कि जो उनका मिशन है वो खास करके हॉस्पिटल बनाना कैंसर मरीजों के लिए, क्योंकि वो खुद भी कैंसर के मरीजों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं मुंबई शहर के अलग अलग अस्पतालों में. तो मैं आए हुए लोगों के माध्यम से, अपने माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से उनको मुबारकबाद देता हूँ. और दूसरी चीज़ ये कि आज भारत में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपसी भाईचारा की. तो बाबा असद जी जो थे उनका जो मिशन था, खास करके वो आपसी हिंदू मुस्लिम एकता का जो मिशन था उसको बढ़ाने का काम बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे थे. जहाँ वो एक संत थे वहीं वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में 30-40 साल जो उनको मिला उसमें उन्होंने इस तरह के कार्य किए कि कितने दंगे महाराष्ट्र में जो हो सकते थे उनको उन्होंने रोका. और कई सामाजिक संस्थाओं के लोगों को उन्होंने सम्मानित किया. और इतने इंटीरियर में महाराष्ट्र के लाखों लोग महाराष्ट्र भर से उनके यहाँ उनके उर्स के मौके पर उनके प्रोग्रामों में लोग आते रहे हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो यही है कि लोगों की सेवा करे और उनको मदद करे. उस काम में वो बिल्कुल थे. अब वो इस दुनिया में नहीं है तो जो उनका मिशन बचा है उनके बच्चे और उनकी टीम उसे पूरा करें. शुक्रिया. परिचय दूंगा आपको. मैं डॉक्टर राहुल साहू जी हूँ और 25 साल से प्रैक्टिस करता हूँ एज अ रेडियोलॉजिस्ट. बहुत सारे कैंसर हमने डायग्नोज किए हैं, लेकिन ये जो अरशद बाबा जो है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैंसर मरीजों को ठीक किया है, ये एक अद्भुत शक्ति ही हम बोल सकते हैं. एज अ डॉक्टर इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हुआ है. ये काफ़ी सारे मरीजों को जैसे इन्होंने अपनी जीव से चाट के उनकी जख्म पूरी ठीक हील कर दी है, ये एक अद्भुत शक्ति ही कर सकती है. और वो एक खुदा का बंदा जिसको आप बोल सकते हैं. बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं, उसमें से एक अरशद बाबा थे. और वो जो कार्य करना चाहते थे उन्होंने वो कार्य अपने बच्चों में डॉक्टर अमजद पठान में उसकी उस कार्य की उत्पत्ति कर दी जो कैंसर के लिए काम करते हैं. और ये यहाँ पे इसके अलावा जो कम्युनल हारमोनी भाईचारा का जो प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम आज यहाँ पे किया है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के धर्मगुरु एक मंच पे आके उन्होंने अरशद बाबा के लिए दुआएं मांगी है. ये एक आज का बहुत अद्भुत ऐसा कार्यक्रम डॉक्टर अमजद पठान ने यहाँ पे किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम है अशफाक हुसैन मंसूरी और आज का जो प्रोग्राम था ये एक यूनिटी का सिंबल है. और जहाँ पे डॉक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रीब्यूशन है, एक मंच पे एकता का जो प्रति होता है कि हम एक है, हम भारतीय है, ये एक उदाहरण है हमारा. और हमारी जो सोच है, जो सोच भी हमारी ये एक ही है दैट हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें ऑन द होल. और इसी तरीके से आगे मैं कहना चाहूँगा कि जो जो लोग आए, हमारे राहुल साहू जी आए, डॉक्टर अमजद पठान साहब आए, और जो खिदमत असद बाबा की जो हुई है फॉर ह्यूमैनिटी, और ये सिलसिला जारी रहे. हम तहे दिल से मीडिया का भी शुक्रगुजार हैं. जो लोग आए, काफ़ी शख्सियत आए, फादर आए बाइक अल्लाह के, हमारे धर्म गुरु, जो भी सब जितने भी लोग यहाँ शिरकत फरमाए, इन सब का जो योगदान आज का था, आज संडे होने के बावजूद सब ने अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आज इस फंक्शन में आए, जो एक धार्मिक फंक्शन भी है और एक पीस को पीस यूनिटी का एक सिंबल जो दिया गया है. आई थिंक सो प्रोग्राम्स लाइक दी शुड बी appreciated and done now and again. Thank you. डॉक्टर अमजद पठान सर ने हम सबको इन्वाइट किया है कि इंटरफेथ प्रोग्राम के अवसर पर सब धर्म एक इकट्ठा हो जाए. और जो इंडिया को, भारत को ज़रूरी है कि सब लोग इकट्ठा रहे, इसलिए सब लोगों ने एक साथ मिलकर प्रेयर की है और सब लोगों ने एक साथ मिलकर एक दूसरे के विचार शेयर किए हैं. इस अवसर पर हम सब धर्म गुरु ने अच्छी तरह से प्रेयर की है. इसके अवसर पर हम सब डॉक्टर अमजद पठान को बधाई देते हैं. और सर आप क्या कहना चाहते हैं?
मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने आज देखा है यहाँ पे, हमारी गुरबाणी कहती है कि मानस की जात सब एक को पहचान वो, कि जो जात पात का ये जो गेम है, ये हम सोचते हैं कि भाई मुस्लिम और हिंदू में ये जो सब सिस्टम आप खुद देख रहे हो, मगर जो मैंने आप देखा है आके कि भाई एक जो असद महाराज जी हैं, उन्होंने सारे संसार में जितने भी कैंसर पीड़ित लोगों के प्रति इतना वो दिखाया है, और उसी को नक्शे कदम पर रखते हुए पठान साहब जी, डॉक्टर पठान साहब जी, उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और सबकी सब धर्म गुरुओं की प्रेरणा कराई है, तो इसी के प्रति भी आज मैं डॉक्टर हमारे जो अमजद पठान साहब हैं डॉक्टर साहब, और अरशद बाबा जिनकी आज तीसरी वर्षी है, और उनके जीवन से हम कई अच्छी चीज़ें जो संपूर्ण मानवता के हित में हैं, जिन्होंने हमेशा जब वो इस धरती पर थे उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करे हैं, और डॉक्टर अमजद पठान उसके निरंतर कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और जिस तरह से आज देश भर में जो एकता की और समन्वय की ज़रूरत है, उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। आज जिस तरह से यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर अरशद बाबा को श्रद्धांजलि, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने उदार विचार प्रकट किए हैं, इससे पता चलता है कि हमारी जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, आज देख रहे हैं पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वो यही है जो हमारी परंपरा रही है कि सभी को एक साथ मिलकर इस देश को, संस्कृति को और एकता के संदेश को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर करना चाहिए। आज का ये संदेश हमें यही प्रेरणा देता है आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से कि हम निरंतर इस तरह के समायोजन को निरंतर आगे बढ़ाएं, जिस तरह से हमारे बुद्ध संप्रदाय के भंते जी, सिख संप्रदाय से पधारे हमारे जत्थेदार जी, और अलग अलग कम्युनिटी से लोग यहाँ पर आए, उन सबों ने एक साथ भाव मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की, ये हमारे लिए उनके कार्यों के प्रति और उनके प्रति एक श्रद्धांजलि समर्पित है। ओम नमः। और इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए हैं कि उनमें से मैं सबसे छोटा महसूस कर रहा हूँ सबको। लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी होती है, मैं आज तक ये मानता था, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि उनके कारण ये सब बाकी जो हमारे जैसे आम छोटे छोटे लोग हैं वो जी सकते हैं उनके कारण। अब ये अमजद साहब हैं, अगर उनके पिताजी आते होते तो इतने खुश होते कि ऐसा बेटा मेरे घर में पैदा हुआ। दुर्दैवश मेरे पिताजी ऐसे नहीं कह सके कि मैंने किसी अच्छे बेटे को पैदा किया, फिर भी मैंने ट्राई किया। हर एक मजहब, हर एक धर्म एक ही सिखाता है, सबको जीना चाहिए आराम से, मजे से, सुख से। फर्क खाली होता है ना वो थोड़े पहनावे में और खाने की चीजों में। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब छोड़ो, अलग अलग खाने, अलग अलग जीने की स्टाइल, अलग अलग पहनावा, इसके लिए तो थोड़ा सा मजहब, ये मजहब में थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए। यानी कि अब सब लोग अगर सिख हो गए तो फिर बिरयानी कौन खिलाएगा, सब लोग अगर मुस्लिम हो गए तो मक्के की रोटी कौन खिलाएगा, तो जिंदगी में मजा कैसे आएगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जो है, जो ये दुनिया को चलाता है, इसने ये छोटे छोटे मजे अपने जिंदगी में आने चाहिए, इसलिए ऐसे मजहब का थोड़ा मजाक किया है, उसको सीरियसली नहीं लेने। अपने माँ बाप वालिद अम्मा जो भी है, जो बोल रहे वही करने का, ज़्यादा अपनी होशियारी नहीं लगा, तो आराम से दुनिया चलेगी, लाखों साल चली आए, हजारों साल चलेगी, हमारे जैसे छोटे छोटे लोग पैदा होंगे, अमजद भाई साहब, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी फैमिली, ऐसे बड़े बड़े लोग पैदा हो जाएंगे, और वो हमारे जैसे छोटे छोटे लोग जो हैं उनकी नैया पार लगाएंगे। बस इतना ही कहना है, छोटा आदमी हूँ, अच्छी बात होगी तो इनकी, गलत बात होगी तो मेरी।
आज ये कैंसर का अभियान चला रहे हैं। अब कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, सो सबके परे जाकर हमें इनका हाथ बटाना है, जितना हो सके उनको मदद करनी है। जैसे कि वो भी सुबह उठेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ 100, 1000, 500, 700, 800, 2000 लोग मेरे साथ हैं, और वो 2000 लोगों की ताकत लेकर रोज़ उठेंगे। तो सब मदद कीजिए, मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं ज़रूर करूँगा। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सो अल्लामा इकबाल साहब के वो जो अशार है तो ये बहुत ही सही में सब हम सबको एक जगह लेके आए हैं। और आज हमारे बाबा जी अलाज असद बाबा, जिनको भारत गौरव का सम्मान भी मिला था और जो विश्व शांति दूत का भी उन्होंने कार्य किया, उनका कार्य यही था कि सबको एक साथ रखो, सबको एक जगह पे लाओ और आपस में भाईचारा बांटो। सो आज हमने भी, आज उनकी जो तीसरी पुण्यतिथि है, बरसी है, इस मौके पर खराज अकीदत का प्रोग्राम जो सेलिब्रेट किया, जो मनाया यहाँ पे, सो ये खास करके उनके लिए एक श्रद्धांजलि हुई कि वो चाहते थे कि मेरे और मेरे चाहने वाले आए करके। तो ये आज सब जो, आज जो मंच आपने देखा है, जो स्टेज आपने देखा है, कि यहाँ पे सब धर्म के लोग बैठे हुए थे और सब ने अपनी दुआओं से आज वहाँ पर जो उन्होंने प्रेयर की, जो दुआएं दी बाबा के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और पूरे भारत के लिए अमन चैन की जो दुआएं दी, ये सबसे बड़ी दुआ है। तो ये सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आज सब धर्म के लोग आज यहाँ एक जगह इकट्ठा होके उन्होंने इतनी बड़ी दुआएं आज हमारे लिए दी है। और बाबा की जो सीख थी, राष्ट्रीय एकता का जो मैसेज था, आज कहीं जाके मुझे लग रहा है कि हम उस मिशन पे सच में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम बाबा की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी जो खिदमत थी, जो वो करते थे हर साल, तो वही खिदमत को हम आप सब लोगों की दुआओं से और ये सब संत लोग जो बैठे हैं इनके आशीर्वाद से और हमारे जो भी सब सपोर्टर है, जितने हमारे बड़े वरिष्ठ लोग हैं, इनकी सब की दुआओं से आज हम वो मिशन को चला रहे हैं। तो आज आपने देखा है यहाँ पे स्टेज पे कि हर धर्म का इंसान बैठा हुआ है और हर एक यहाँ गुरुवाणी भी हुई है, यहाँ पर हमारे भाई जी ने मंत्र भी पढ़े हैं और सब कुछ आपने तिलावत कुरान भी यहाँ पे सुना है। तो ये मुझे तो लगता है सही में आज ये मैसेज, एक बहुत बड़ा मैसेज आज हमारा ये जाना चाहिए, जिस किसी के लिए तो हम कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो ये हमारा अतुल्य भारत जो है, तो यही तो है, ये संतों की नगरी है, ये संतों की परंपरा है, ये संतों को लेके ही हम लोग आज चल रहे हैं। तो आज मैं उन सबका धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने आज यहाँ पर ऑल द वे आके इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हमारा प्रोग्राम को सक्सेस कराया, इसके लिए मैं सबके लिए धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये बहुत बार उनका एक लाइव एक्सक्लूसिव बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें काफ़ी डॉक्टर्स भी बैठे थे, साइंटिस्ट भी बैठे थे और मुझे भी पूछा गया था कि ये क्या चीज़ है। जहाँ पे देखिए, अब मैं आपको सब क्लियर बता रहा हूँ कि जहाँ पे अध्यात्म बोलते हैं, स्पिरिचुअलिज्म और मेडिकल साइंस, ये एक जगह है, तो एक जगह हमारे घर में, क्योंकि मैं बीइंग एज अ डॉक्टर और वालिद साहब उसमें स्पिरिचुअल में थे, तो मैं एज अ साइंस के हिसाब से मैं कहूँगा कि जहाँ हमारा साइंस शुरू हो के ख़त्म हो जाता है, उसके आगे कई आगे ये अध्यात्म शुरू होता है। तो ये स्पिरिचुअलिज्म वही चीज़ है, उसको मानना ही चाहिए हम लोगों ने। और क्योंकि आप जिस तरह से महसूस कर रहे हो, ये दुनिया बनाने वाला वो कायनात, रब कायनात वो बैठा है, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई तो पावर है जो कंट्रोल कर रही है, जो चला रही है, वही तो है साइंस। तो हमारा ऊपर वाला बोलते ना, हम लोग ढूंढते रहते हैं, एक बीमारी निकली उसकी हम कुछ मेडिसिन ढूंढते हैं, हम एक ढूंढते हैं तब तक ऊपर वाला और 100 बीमारी दे देता है, ढूंढते बैठो तुम और। तो ये कहीं ना कहीं उसी की तो मसलियत है सारी। तो साइंस हमारा जहाँ शुरू होके ख़त्म हो जाता है, वहाँ से आगे अध्यात्म शुरू होता है। आपको लगता है कि आपके जो डैड जिस तरह से ब्लेस्ड थे, क्या कभी आप चारों भाइयों ने या आपके फैमिली मेंबर ने ऐसा उस मिरेकल तक पहुँचने की भी कुछ कोशिश की कभी, जो आपके पिताजी जिस तरह से इलाज करते थे?
सर वो देखिए वो तो अता है थी उनको, उनको एक शिफात थी उनको मिली हुई थी, वो हमारे बस की सबकी बात नहीं है और ना ही हमारे में आ सकती, हम बस उनकी लिगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ उनको जो गॉड गिफ्टेड थी वो शायद हमारे में नहीं आई है, बस हमको एक अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से शायद हमको खिदमत के लिए चुना है कि हम मरीज़ों की सेवा कर रहे हैं, मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं। शायद वो जिस तरह से ज़बान से चाट के सेवा करते थे, पर हम आज मरीज़ को जहाँ पे जो जिनको ज़रूरत है उन लोगों की आज हम वो खिदमत कर रहे हैं, शायद वही हमारे थ्रू निकाल करवा के ले रहे हैं, चाहे वो ज़रिया अल्लाह ताला ने हमको चुना है, ऊपर वाले ने हमको चुना है और हम वो सेवा कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो सभी को जो आप देख रहे हैं? सर मैं सबसे यही कहूँगा कि बस राष्ट्रीय एकता जो है बनाए रखिए, कि मैंने एक सबके लिए सब एक लाइन सबके लिए बोला था कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया। सो हम वही चाह रहे कि चमन आया हमारा जो वतन है ये बहुत खुशहाली से और बहुत अमन व अमान रह करके, ये आज सब हमारे जितने भी प्रेयर्स हमारे जितने भी गुरु लोग आज यहाँ आए, संत लोग आए हैं, हमारे उलमाए करीम यहाँ पे आए हैं, मैं सबके लिए आज सब और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबसे लिए ये कहूँगा कि सब हमारा भारत सब जोड़ के रखिए, तो हम सब एक है, ना ही हिंदू अलग है ना मुसलमान अलग है ना सिख अलग है, सब एक ही मैसेज देते हैं और वो है मानवता का संदेश, बस मानवता का संदेश आगे बढ़ाते रहिए। बहुत शुक्रिया। इंसान को बनाने के लिए जो मकसद ऊपर वाले का है उस मकसद को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर जब इकट्ठा आते हैं तो उन चीज़ों को कायम और मजबूत करने का ये एक ज़रिया है। तो एक जैसा सब लोगों ने जो दुआ की वो दिल से निकली है और इसे ऊपर वाला ज़रूर पूरा। आज अलाज असद बाबा इनकी थर्ड डेथ एनिवर्सरी है, इनके लिए मैं सबसे पहले उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। अलाज असद बाबा इनको मैं बहुत करीब से जानता था क्योंकि सिंधगढ़ राजा में रहकर मैं वहाँ पे एज ए डिप्टी कलेक्टर, तो वहाँ पर उनसे मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा, जहाँ पर वो वीकर सेक्शन के लिए बहुत काम करते थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने जो नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के लिए काम किया वही काम आज हमारे फ्रेंड डॉक्टर अमजद जी पठान यहाँ बढ़ा रहे। इतना ही नहीं तो सिंधगढ़ राजा जैसे रूरल एरिया में कैंसर पीड़ितों के लिए हॉस्पिटल बनाने का जो उन्होंने संकल्प किया वो वाकई एक मानवता के लिए बहुत बड़ा काम रहेगा। आज जो बरसी है इससे पहले मैं जब उनके इंतकाल से पहले जालना में कैंप हुआ था हेल्थ कैंप, उसमें हमारा फाउंडेशन हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जिसकी फाउंडर एडवोकेट मिसेस रुबीना अख्तर हसन रिजवी और डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी हैं, उन लोगों ने हमें भेजा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव। हम वहाँ गए थे, हमने देखा कि कितना बड़ा कैंप वहाँ पर था और बहुत ही ज़रूरतमंद देहात के लोगों का वहाँ पर मुफ्त इलाज हो रहा था। पत्रकार होने के नाते और पत्रकार भी हूँ, मेरे पिताजी भी पत्रकार थे, इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि कैंसर के इलाज के लिए कितना तकलीफ़ होती है कैंसर के मरीज़ को और उसको राहत पहुँचाने वालों को। असद बाबा की याद में उनकी तीसरी बरसी पे उनके बेटे डॉक्टर अमजद पठान ने एक अच्छा कार्य किया, आज सब लोगों को जमा किया और कमाल यह है कि सद्भावना के रास्ते से लोगों को एक ऐसा मैसेज दिया है कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आज इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और असद बाबा ने जो काम किया है वो सभी लोग जानते हैं और उनके काम को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर अमजद पठान कर रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं। अमजद साहब से पिछले 12 से 15 साल से मेरा रابطہ रहा और मैंने उनको बहुत करीब से देखा। उनके पिताजी रूरल एरिया में लोगों के लिए सेवा का काम कर रहे थे। अनहज असद बाबा इनकी आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सभी जो महानुभाव आए हैं उनका हम डॉक्टर अमजद पठान उनके मित्र होने के नाते हम सभी का खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अलहज असद बाबा इनसे हम काफ़ी बार मिल चुके हैं, उनका जो जन्मस्थान है वहाँ पर भी सिंधखेड़ राजा जो जीजा माता का भी जन्मस्थान है वहाँ पर भी असद बाबा जो डेथ एनिवर्सरी के ऊपर आज जो प्रोग्राम किया उसमें उन्होंने जो कि एक ख्याल रखा, एक ख्वाब रखा कि कैंसर हॉस्पिटल बनाना, उसके लिए हमारे एसोसिएशन तरफ से हम ज़रूर सहायता। असद बाबा का सोशल सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है और आज भी हमने इस प्रोग्राम में देखा
के सभी धर्म के सभी पंथ के लोग यहाँ पे मौजूद थे और बड़े आदरपूर्वक मौजूद थे, जिन्होंने असद बाबा का जो पूरा जीवन रहा है उस पर भी उन्होंने रोशनी डाला है और उसी काम को उनके जो बेटे हैं डॉक्टर अमजद वो आगे ले जा रहे हैं। असद साहब थे वो तो वैसे भी भगवान की आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, और रहा साल अमजद का तो ये बहुत, इन्होंने जो सोच रखा है कि मैं कैंसर हॉस्पिटल खोलूं, और देखो मैं जानता हूँ डॉक्टर अमजद को बहुत करीब से, वो बच्चे जैसा है मेरा, उसको बाहर से बहुत बड़ी बड़ी ऑफर है, ये बोलता नहीं मुझे इस देश में रह के इसने अपने वतन वालों के लिए कुछ करना है। मैंने उससे बोला चलो यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मना कर दिया उसने, तो इससे साबित होता है कि वो किस हद तक सोचता है। बस मैं ये कहूँगा कि हमारी दुआएं हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। एक पहुँचे हुए संत थे, फ़कीर इंसान थे, जो दूसरों के लिए इंसान की हमेशा उनकी देखभाल के लिए उनके हमेशा वो देखते थे कि एक इंसानियत की तरह दूसरे इंसान के लिए हम कैसे काम आ जाएं। वो दूसरे इंसान को चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, बड़ा गरीब आदमी हो, उन सबको देखने के लिए उनकी खिदमत कर